इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट सेवेंटीन ईयर्स एंड राइट नाउ आई एम सर्टिफाइड करियर कोच सो विद माई ओन वेंचर दिल मैपिंग ये जो वेंचर है स्किल्स को मैप करता है उनकी करियर सिलेक्शन के साथ उनके कोर्स सिलेक्शन के साथ करियर जो कि बहुत ही क्रुशल डिसीजन है हमारे लाइफ का और जो कि हम सिलेक्ट करते हुए हमें बहुत मुश्किल आती है मैम कमिंग बैक टू यू हेलो मैम वी वॉन्ट योर इंटर इन योर वर्सो Hi, ma'am. आई एम मिश्रता अरोरा मैं एम बी ए मार्केटिंग में स्पेशलाइज़ करती हूँ अपना एजुकेशन ख़त्म होने के बाद मैंने एयरटेल के साथ काम करना शुरू किया इन टू मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड उसके बाद दो साल वहाँ लगाने के बाद आई मूव टू रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री जहाँ पर मैंने यू के यू एस और पैन एशियन मार्किट्स के साथ काम किया रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के साथ काम करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि स्किल गैप होता क्या है क्योंकि जब आप जॉब्स पर जाते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि लोग जॉब पर तो पहुँच गए लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो बहुत नेसेसरी हैं उस टाइम दो साल वहाँ काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स बेटर टू तो एंटर इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री जहाँ पे मुझे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए सो so, जिस वजह से दिट लैंडेड मी हेयर इनटू स्किल मैपिंग ओके एंड मैम किस टाइप का रोल आप इस वेंचर में प्ले कर रहे हैं बेसिकली मेरा जो यहाँ पर रोल है मैं स्किल मैपिंग की मार्केटिंग हैंडल करती हूँ और ट्रेनिंग्स हैंडल करती हूँ जो भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे रेज्यूमे राइटिंग होगी प्रोफाइल बिल्डिंग होगी जब किसी ने बाहर अपना अपनी प्रोफाइल भेजनी है किसी हर की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए तो उसके ऊपर हम काम करते हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स जो ट्रेनिंग्स होती है हम उसके ऊपर काम करते हैं so सो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स हैं मैं वो प्रोवाइड करती हूँ और सारी जो मार्केटिंग है दैट इज़ माई एरिया ओके तो मैम चलिए अब ये बताइए कि इस वेंचर को आपने बताया सिक्स मंथस हो गए आपको ओपन केवे वट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम है एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स from द स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स देखो करियर एक ऐसा एरिया है जो हमें बहुत ही वाइजली सिलेक्ट करना चाहिए लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत सारे प्रेशर के अंदर हम करियर सेलेक्ट करते हैं लाइक like, कभी हम फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में होके या कभी हमारे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होता है जिसके जिनके कहने पर हम करियर सेलेक्ट कर लेते हैं बट हमें ये नहीं पता होता या बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनको चाहिए क्या सो दैट्स वाई वी हैव एंटर्ड इन दिस करियर काउंसलिंग सेशन वेयर वी वियर वी

ये फोर्टीन ईयर्स एंड मोर आई मीन स्टूडेंट्स कैन कैन ऑलवेज से आफ्टर कैनवे हाँ जी नॉट आफ्टर टेंटैंड एल से नाइन्थ स्टैंडर्ड के पास नाइन्थ बिकॉज टेंथ के बाद उन्होंने स्ट्रीम सिलेक्ट करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग आई मीन स्ट्रीम सिलेक्शन में ये बहुत बड़ा इसका योगदान है स्किल मैपिंग का मैम समटाइम्स कभी आपको ऐसे लगा कि कोई बहुत चैलेंजिंग से आपको टाइम पीरियड फेस करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं तो आपको लगा कभी कोई चैलेंजिंग सा टाइम पीरियड exactly. एक्जैक्टली पंजाब में इसका बहुत स्कोप है पहले जब हमने स्टार्ट किया तो लोगों को समझ ही नहीं आता था ये करियर काउंसलिंग है क्या mm -hmm. तो लोगों को इसीलिए हमने फिर स्कूल्स के साथ और पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी शुरू की जिसमें लोगों को हमने बताया कि करियर काउंसलिंग है क्या किस तरह से वो उनके भविष्य को या करियर को बेहतर बना सकता है एंड दैट्स हाउ पेरेंट्स स्टार्टेड रियलाइजिंग हाउ वी कैन हेल्प देम एंड दे स्टार्टेड अप्रोचिंग अस देन मैम पेरेंट्स का कैसा रिस्पांस रहता है जब वो आपसे कंसल्ट करने पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं ये जानकर कि उनके पास कोई एक्सपर्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अनटच्ड फील्ड पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हम लोगों को भी नहीं पता होता कि अपकमिंग कौन से करियर्यर्यर्यर्यर्य हैं सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देर आर मोर देन फिफ्टी थाउजेंड अवेलेबल सो गूगल पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है पर हमें ये नहीं पता होता कि हम किस में अच्छे हैं सो स्किल मैपिंग यहाँ पर आके काम करता है हम बच्चों को ये बताते हैं कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके आ, सोचने के हिसाब से आपके लिए बेस्ट करियर कौन सा है ओके okay, मैम फिर से वापस आते हैं आपसे कुछ बातें करेंगे और तो मैम आप ये बताइए आप जैसे मैम ने बताया वर्कशॉप्स करते हैं स्कूल्स में जाते हैं कॉलेजेस में जाते हैं तो जब स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो क्या कभी भी उन्होंने भी अपनी तरफ से आपको कुछ गाइड करने की कभी ऐसे कोशिश की होगी गाइडेंस की तो नहीं मैं बात कर सकती बट हाँ हमारे को बहुत सारी ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ पता लगती हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ पे लैक कर रहे हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उनकी ही क्लैरिटी नहीं है कि वो हमसे आके पूछते हैं अगर जैसे अब हमने एक वर्कशॉप डिलीवर किया था रेज़्यूम राइटिंग के ऊपर ही तो बच्चों को एक्चुअल मतलब ही नहीं पता था कि रेज़्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ें जाती है वो बहुत ही इनफॉर्मल सा रेज्यूमे और अगर हम बात करें कि अगर हम रेज्यूमे लिख रहे हैं सो रेज्यूमे इज़ इज़ एट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो आपकी सिलेक्शन और अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर तो वहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा स्किल गैप एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर कि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी ही नहीं आ रही है इस बार मैम इस फील्ड में आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कंपटीशन है जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं मैम आप किसी भी फील्ड में आज की डेट में चले जाओगे कंपटीशन तो है ही है इट इज़ मोर लाइक हम ये आउट ऑफ पैशन कर रहे हैं माई कंपटीशन इज नॉट समथिंग आई वुड बी थिंकिंग राइट नाउ बट येस जो मुझे रियलाइज़ होता है अभी मार्केट में लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है काउंसलिंग का एक्चुअल मतलब नहीं लोगों तक पहुंच पा रहा है काउंसलिंग इज़ बेसिकली जहां आप आते हो बच्चों का एक टेस्ट करवाते हो आपको एक्चुअल में पता लगता है आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा और किस चीज़ में बुरा है और सबसे बड़ी बात स्किल मैपिंग की है यहाँ पर हम रोबोटिक uh, ऑटोमेशन के साथ काम करते हैं जो हमारी स्ट्रीम असेसमेंट्स हैं जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट करके उसको हम आपके बच्चों के हिसाब से बताते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हैं आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं मैम कितना टाइम लगता है जो आपके पास पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं कंसल्टेशन के लिए तो बेसिकली यह उनको कितना टाइम लगता है कितने टाइम पीरियड में आप उनको गाइड कर देते हैं कि किस फील्ड में उन्हें आगे जाना चाहिए ये इंटायरली डिपेंड करता है मैम कि सेशन किस हिसाब से वो लेना चाहते हैं यूजुअली हमारा ये चलता है जिस तरह से हम प्रोसीड करते हैं वो ये है कि पहले हम आके एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि बच्चा क्या चाहता है उसको किस तरह की कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चा क्या चाहता है ये समझना उसके बाद हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप एक स्ट्रीम असेसमेंट टेस्ट लीजिए या एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लीजिए वो एक टेस्ट लेता है जो कि एक बहुत ही एक्सटेंसिव टेस्ट है जिसकी प्रॉपर एक थर्टी फाइव पेजेस की रिपोर्ट जनरेट होती है उसके बाद जब वो टेस्ट लेने के बाद हमारे पास आता है तो हम एक उसको एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह उसको बताते हैं कि ये आपके एरियाज हैं जिसमें आप अच्छे थे और ये करियर्यर्स हैं जो आप एक्चुअली चूज करके प्रोसीड कर सकते हैं आगे okay, ओके okay. तो मैम एक चीज़ हमें और बताइए जैसे मैम ने बताया कि आप टेस्ट कंज्यूम करवाते हैं स्टूडेंट से तो उसके लिए आप उन्हें पहले कुछ गाइड करते हैं या किस टाइप का वो टेस्ट आप मतलब उनको मैम पहले स्टूडेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि स्टूडेंट अभी तक क्या कर रहा है और फिर हम उनको एक ऑनलाइन हम पासवर्ड जनरेट करते हैं सो तो ये बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट है जो स्टूडेंट अपने घर से बैठ भी दे सकता है ये दो ढाई घंटे का एक्सटेंसिव टेस्ट है जिसमें बच्चे की एक पूरी पर्सनैलिटी उस टेस्ट में रिवील हो जाती है कि बच्चे का पॉजिटिव क्या है और बच्चे के अंदर अगर कोई गैप एग्जिस्ट करता है तो हम

तो so, उसके बेसिस पे ही हम बच्चे को करियर सजेस्ट करते हैं उसके बाद हम कह सकते हैं आप मेंटली आप बच्चे हाँ को प्रिपेयर करते हैं एग्जैक्टली वी प्रिपेयर कुछ बच्चे आते हैं जो बहुत श्योर होते हैं कि हमें यही करना है और okay. टेस्ट भी वही रिवील करता है और कुछ बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में बहुत कुछ होता है कि हम ये भी कर लें हम वो भी कर लें सो so, टेस्ट से उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है दैट दिस इज़ द राइट पाथ फॉर देम एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी खुश भी होकर गए हैं एंड दे आर डूइंग गुड ऑल्सो अभी मैम आपको कितना डिफ़िकल्ट लगता है पर्सनली आजकल के स्टूडेंट्स के माइंड को रीड करना देखो मुझे तो सतारह साल हो गए मैंने सतारह साल में यही जाना है कि बच्चे टिल द लास्ट स्टेज जब बच्चे जॉब पे भी चले जाते हैं तब भी उनको बहुत सारी रेवोलेशन्स होती हैं उनको लगता है कि हम इस करियर के लिए नहीं बने या ये करियर हमारे लिए नहीं बना सो वहाँ पर जा रियलाइज़ करने से अच्छा है कि हम बच्चों को अर्ली एज में ही उनको अच्छे से गाइडेंस दे दें ताकि जब वो अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करने लगे तभी वो एक सही डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दें हम जाते जाते हम यही चाहते हैं कि आप अपने तरफ से एक ये मैसेज जरूर दीजिए कि ये जो आपने वेंचर जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं इतना अच्छा मैसेजेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कितना बेनिफिट उन्हें आने वाले टाइम पर मिल सकता हाँ जी है। देखो दे कैन गो टू आर वेबसाइट ऑल्सो वी हैव अ वेबसाइट बाय द नेम ऑफ़ स्किल मैपिंग डॉट इन देन वी हैव अ फेसबुक प्रेजेंस एंड ऑल्सो इंस्टा प्रेजेंस बाय द नेम अगेन ऑफ़ स्किल मैपिंग एंड हमारा लिंक पे भी वी हैव प्रोफाइल अगेन बाय द नेम ऑफ स्किल मैपिंग सो स्टूडेंट्स को हमारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है दे कैन गो टू अर वेबसाइट और फेसबुक और इंस्टा पेज प्लस वी हैव ऑफिस वी सेट इन आर ऑफिस फ्रॉम थ्री टू सेवन दे कैन अप्रोच अस वी टेक अपॉइंटमेंट्स ओनली वी टेक काउंसलिंग सेशन्स बाय अपॉइंटमेंट्स ओनली सो दे कैन बुक अपॉइंटमेंट विद अस बाय आर वेबसाइट एंड देन वी कैन टेक काउंसलिंग सेशंस मैम पेरेंट्स के साथ ही स्टूडेंट्स आपसे कंसर्ट जी स्टूडेंट्स इंडिविजुअल भी आ सकते हैं बट हम रेकमेंड करेंगे कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ ही आए बिकॉज पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों का भविष्य बनाने में पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन होती हैं प्लस एक पेरेंट्स के एक माइंडसेट है कि उनको लगता है कि या मेडिकल या नॉन मेडिकल ही दो ऐसे प्रोफेशन है जो उनके बच्चे का भविष्य अच्छा बना सकते हैं सो so हम पेरेंट्स के साथ भी इसीलिए हम बात करते हैं और हम बताना चाहते हैं इनके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन है इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे कॉलेजेज़ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके जिनमें उनके बच्चे का बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है ठीक है आजकल का जो पंजाब का यूथ है वो बाहर जाना चाहता है आई ऑलवेज कीप ऑन गाइडिंग माई स्टूडेंट्स की इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है सो दे शुड लुक इन टू इंडिया ऑल्सो फॉर मेकिंग अप देर करियर मैम एट लास्ट डू यूटीलिंग मैं सब स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगी कि जब भी हम करियर चूज करें तो कि हम किसी दबाव या प्रेशर के अंदर आ कर कोई भी करियर मत चूज़ करें बहुत ही हमें ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हमारी सारी लाइफ में हमारे साथ रहने वाला है सो so इसको बहुत ही वाइजली सिलेक्ट करना चाहिए हमें अपने इंटरेस्ट एरियाज पहले अच्छे से पहचान लेने चाहिए उसके बाद हमें अपना करियर सेलेक्ट करना चाहिए मैम एंड मैम आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी ज़रूरी नहीं होता कि जिस चीज़ में आप पैशनेट हो उसी के अंदर ही आप करियर बना पाओ तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन आज की डेट में इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पर जाएँ अपना एक्सपर्ट ओपिनियन लें कि सो दैट आपको पता लगे आप किस चीज़ में अच्छे हैं तो उस चीज़ की तरफ प्रोसीड करना इज़ अ बेटर आइडिया थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम और आपने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया लुधियानविस को तो आपने देखा ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्वेता मिगलानी एंड मिस इशिता अरोड़ा जिन्होंने सिक्स मंथ से एक वेंचर जो ओपन किया हुआ है स्किल मैपिंग के नाम से वो सक्सेसफुली यहाँ पे चला रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स आके जो पेरेंट्स भी हैं वो भी आके यहाँ पे गाइडेंस लेते हैं अपने करियर से रिलेटेड कि वो किस फील्ड में आगे जा सकते हैं होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलकर और हमने भी शेयर किए उनसे कुछ बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स थैंक यू सो मच कैमरा मैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा टाइम्स पंजाब टी